जांजगीर चांपा जिले के सक्ति अनुविभागीय अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि को अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के नाम पर खरीदकर भूमि मंजूरी पश्चात सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। ज्ञात हो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमियों को गैर आदिवासियों को बिक्री हेतु कलेक्टर अनुमति की आवश्यकता होती है। इस कारण से आदिवासियों की भूमि ऊंचे दामों पर नहीं बिकती है। जहां एक और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से जमीनों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई। इसी कारण से जमीन दलालों एवं खरीदने वालों के एक एक वर्ग ने आदिवासियों की भूमि सड़कों से लगी या व्यावसायिक उपयोग की दिखने वाली भूमि को कम दर पर किसी एक आदिवासी के नाम पर खरीद लिया जाता है तथा कुछ वर्षों पश्चात कलेक्टर से विक्रय की अनुमति प्राप्त कर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ऊंचे दाम पर बेचने का धंधा चल रहा है। ग्राम केरीबंदा के राम लखन पीतागणेश सिदार एक आदिवासी गोड़ है, जिसकी पत्नी का नाम सावित्री देवी, प्राथमिकता कार्ड क्रमांक 371 बीपीएल राशन कार्ड में दर्ज है। यह व्यक्ति जो सामान्य परिवार का व्यक्ति है, किंतु भूमाफिया ने इसके नाम पर करोड़ों की जमीन अन्य आदिवासियों से खरीद 20-25 ग्रामों में तहसील शक्ति व चापा में करोड़ों रुपए की उपयोगी जमीन इसके नाम पर खरीदी हुई है। खरीदारों की आवश्यकता अनुरूप सौदा कर भूमि मंजूरी का खेल खेल कर सामान्य व्यक्तियों को उचित दाम पर बेच रहे हैं। इसके लिए बकायदा दलाल कलेक्टर से लेकर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं पटवारी कार्यालय तक इस बेनामी आदिवासियों को ले जाते हैं। ये सब पटवारी तहसीलदार स्तर के निम्न अधिकारियों को भली भांति ज्ञात होता है कि इस आदिवासी के नाम पर गैर आदिवासियों ने जमीन खरीदी हुई है, लेकिन वे अपना हिस्सा लेकर बिक्री किए जाने की अनुमति प्रतिवेदन तैयार कर देते हैं। जबकि कलेक्टर द्वारा मांगे गए प्रतिवेदन में कंडिका 1 में स्पष्ट लिखा होता है कि विक्रेता के पास कुल कितनी भूमि है। कंडिका 8 में यदि भूमि क्रय शुदा हो तो पूर्व आदिवासी विक्रेता का कथन लिया जावे। साथ ही साथ कोई आदिवासी वर्ग का व्यक्ति खरीदने को तैयार है कि नहीं, लेकिन तहसीलदार एवं पटवारी के ग्राम प्रमुख बातों को छिपा कर छोटे मोटे अखबारों में इश्तेहार प्रकाशित कराकर सामान्य व्यक्ति को बेचने की अनुशंसा कर दी जाती है। बेनामी क्रेता आदिवासी की कुल भूमियों के में गलत जानकारी बनाई जाती है। पूर्व आदिवासी विक्रेता का कथन नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ विक्रय की जाने वाली भूमि कितने वर्ष पूरे, किससे खरीदी गई, कितने में खरीदी गई इत्यादि तथ्यों को छिपाकर अनुशंसा करा ली जाती है, जिसकी भनक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री सुभाष सिंह राज को होने पर उन्होंने उस आदिवासी व्यक्ति को बुलाकर 3-4 प्रश्न करने पर ही आदिवासी हड़बड़ाने लगा, जिसके पश्चात से ही संबंधित भूमाफिया जिसने आदिवासी के नाम पर भूमि क्रय की हुई है SDM कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। यदि इस आदिवासी से गहराई से पूछताछ की जाए तो ज्ञात होगा कि उसके नाम पर केवल जमीन खरीदी बिक्री का धंधा किया जा रहा है, जिसके लिए उसे सालाना 25,000 से 30,000 रुपए दिए जाते हैं। उसके पास खरीदी गई भूमियों के कोई भी विक्रय पत्र, ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक या चेक इत्यादि कोई भी कागजात नहीं होता। सभी कागजात जमीन दलालों के पास होते हैं। उसे यह तक भी ज्ञात नहीं होता कि उसके नाम पर कितने स्थानों पर कितनी भूमियां खरीदी गई हैं। इस ओर शासन को गंभीरता से मंजूरी प्रकरणों में ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि भोले भाले आदिवासियों की भूमियों को संरक्षित रखा जा सके तथा जिनका लाभ उन्हें ही दिलाया जा सके। इस बात की जानकारी वर्तमान अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक को भली भांति ज्ञात थी कि आदिवासी के नाम पर गैर आदिवासियों के द्वारा कुछ वर्षों पूर्व जमीन खरीदी गई है, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज कर 5 अगस्त 2019 को दो मंजूरी प्रकरण स्वीकार कर लाखों रुपए की जमीन बेचने की मंजूरी दी गई और 16 अगस्त 2019 को 4 ग्रामों के लिए नए मंजूरी प्रकरण लगाए गए, जिसे जांच के लिए अग्रेषित किया गया। सामान्य सी पूछताछ पर ही उक्त आदिवासी सही तथ्यों को बता सकता था, जो अनुविभागीय अधिकारी सुभाष सिंह राज सक्ति ने ईमानदारी से किया है, जिसे जनक प्रसाद पाठक पूर्व कलेक्टर जांजगीर ने भूमाफियाओं से साठ गांठ करके नजरअंदाज किया था। आज पूरा विश्व कोरोना संकट का मार झेल रहा है। ऐसे में पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि अपनी सुरक्षा के लिए एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ ऑक्सीजन देने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.